अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, दोबारा से आएंगे न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज कुछ कोई गेम प्ले या कोई ट्रिक स्ट्रोक्स टूप्स कुछ भी नहीं है, जस्ट एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है और जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको ये बता दूँ कि अभी रिसेंटली जो मेरे अराउंड हुआ वो मैं बता देता हूँ, और जो किस रिलेटेड मेरा डिसीजन है वो है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है, और थिंकिंग थॉट्स ही सब कुछ मिला के। तो भी मैं अराउंड बता दूँ अभी रिसेंट क्या हुआ। मेरे रिसेंट अभी मेरे फ्रेंड की मदर की डेथ हुई। वो जो मेरा फ्रेंड ना बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा, और उसकी जो मदर थी ना, मतलब लाइक बिल्कुल मेरी मदर की तरह। और लेकिन क्या कह सकते हैं यार, इंसान की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता चलता, किस टाइम कब क्या कैसे कुछ भी नहीं पता चलता, क्या हालात हो जाए। तो यार यकीन करो कि वाकई में बात सच है कि माँ के बिना ना, माँ के बिना औलाद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती है। और जब माँ लाइफ से चली जाए ना, तो एक जैसे क्या बताऊँ, सूखे दरख्त की तरह औलाद हो जाती है, सूखे दरख्त की तरह जिसके पास कोई भी नहीं खड़ा होता, ऐसे हो जाता है। जब माँ होती है ना, फिर वो औलाद की वैल्यू भी होती है। और एक बच्चा जो है ना, बेटा बेटी, वो घने दरख्त की तरह होता है जिसकी छांव में हर की आने लगता है। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। और तो यार मेरी लाइफ में ना मेरे पेरेंट्स हैं, और जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मेरे अराउंड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी एक सिस्टर है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो ही मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऐसे हालात में भी, इवन इतना भी कामयाब नहीं हो, लेकिन उन हालात में भी हर कोई मेरे साथ है, ठीक है। तो यार बताने का मीन्स ये है ना कि तो आप लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा मैं कि मेरे पास सब कुछ है, आप लोगों के पास भी होंगे। जस्ट मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं ना इनकी ना कदर नहीं कर रहा, ठीक है। जिस तरह एक इंसान को करनी चाहिए कदर, रिस्पेक्ट देना चाहिए, कदर करनी चाहिए, मैं उस टाइप का कर नहीं रहा, जिनकी वजह से मेरी कई बार बहस, लड़ाई, झगड़ा, ये वो ये सब कुछ होता है। उसकी और उसकी वजह ये नहीं होती है कि यार उनकी वजह से मेरा मसला हुआ या उनकी वजह से, नहीं, मेरा खुद मैं खुद की गलती होती थी और मैं अपनी गलती मानता नहीं था। वही मुझे एहसास हुआ परसों की बात है। और परसों गाइस क्या हुआ कि उसकी मदर की डेथ जब हुई ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा, अब मुझे बुरा लगा और बहुत सैड हुआ। फिर मैं अपने दोस्त के पास जब गया, फिर रात के टाइम हम लोग दफनाने के लिए चले गए, जनाजा शनाजा पड़ गए, तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं अपने आसपास जब कब्र को देखा, और उस कब्र को जब देखा जो खुदी हुई थी ना, उस कब्र के अंदर मैं खड़े होके उधर दफना रहा था, तो यार मुझे ना अपनी 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 जो जितनी भी गुनाह थे ना, जितनी भी बुराइयाँ थी, वो मुझे उस टाइम ऐसे दिमाग में ऐसे घूम रही थी बिल्कुल। और जो मुझे याद आ रहा था कि यार मैं इतनी गालियाँ देता हूँ, इतनी बुरी थॉट्स रखता हूँ, बहुत बुरी बुरी बातें लोगों के साथ शेयर करता हूँ, गलत वीडियो या ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ, यार इसी कब्र में मुझे लेटना है, इसी कब्र में मरने के बाद इसी कब्र में मुझे लेटना है। और तुम मैं क्या लेके जाऊँगा, मैं ये बोलूँगा कि यार यार मैं तो 10 साल से लेके अभी 20-22-23 साल तक मैं गाली गलौज करता रहा, मैं ये करता रहा, वो करता रहा, नमाजें मैंने जो नमाजें मैंने पढ़ी वो भी एक आधी पढ़ी, दूसरी बाकी सारी जाया। घर वाले पूछ नमाज़ पढ़ी, हाँ पढ़ ली मैंने नमाज़ पढ़ ली, झूठ बोल दिया। तो एक तो हम रियल लाइफ में एक तो झूठ बोलते हैं, दूसरा हम सोशल मीडिया में तो हमें झूठ बोलने बोलना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, आपको झूठ बोलना पड़ेगा तो आप कामयाब हो। और आज के टाइम में जो लोग झूठ बोलते हैं ना, मेरे हिसाब क्या सच है, ट्रुथ है, कामयाब होने के लिए खड़े होने सोशल मीडिया पे ना, खड़े होने के लिए, स्टेज पे खड़े होने के लिए, सोशल मीडिया की पावर लेने के लिए सोशल मीडिया की, आपको झूठ बोलना पड़ता है, या आपको एक ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, फसाद धंधा हो, आप एकदम ऐसी आपके पास पावर आ जाएगी ना सोशल मीडिया की, आप कुछ भी कर सकते हो। एक मैं और ये ट्रूथ है, अगर आपको यकीन ना है आप खुद ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो अब मुझे बताने, आप लोगों को बताने का मीन्स क्या है ये,
फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं तो अब मैंने तो ठान लिए कि यार डिसीजन है, मैं आपको बता देता हूँ मेरा डिसीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं कोशिश करूँगा मेरे कंटेंट में एटलीस्ट मैं अब मैं गाली मत दूँ, ठीक है। मेरे मुँह से कोई एक गाली गलौज ना निकले, मेरे अराउंड कोई होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा कि गाली गलौज ना दूँ। आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो ठीक है, अगर ये पसंद ना आए ना कॉन्टेंट तो कोई बात नहीं, मुझे ये गाली गलौज नहीं रखनी अपने साथ, ठीक है। आप लोगों को बेशक कॉन्टेंट पसंद आए, आप लोग इग्नोर कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मुझे कोई ज़ीरो परवाह है, ठीक है, ज़ीरो। अगर आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हो ना कि हाँ आप तो ये कंटेंट फालतू बनाएगा, सिंपल सिंपल बनाएगा, नहीं मैं फिर भी अच्छा ही बनाऊंगा, एक डिसेंट से बनाऊंगा कि बच्चा भी देख सकता है और फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो और दूसरा डिसीजन गाइस ये है कि जो लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए और मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैंने कभी भी उनका साथ या उनको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। या उनको कभी ऐसा फील नहीं कराना कि यार मैं उनके साथ नहीं हूँ, या मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनकी जो वो मुझे सपोर्ट करते हैं या उनके सपोर्ट करने की मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, मैं ये चीज़ उनको कभी भी नहीं फील कराने वाला, ठीक है। एंड उसके अलावा भी गाइज, कभी भी ना जैसे हम लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे मैंने भी कई बार झूठ बोला है, लाइव आके मैंने बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है, लाइव आके। तो मैं आप सबसे भी सॉरी करता हूँ कि अगर मैं आप सबसे अगर क्या मैंने झूठ बोले हैं, मैं क्या बताऊँ कितने झूठ बोले, उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। और अल्लाह ताला से भी मतलब लाइक जब उनको उनकी वालदों को कब्र जनाजे नाजे के बाद सब कुछ करने के बाद जब मैं घर आया तो नमाज वमाज पढ़ के फिर मैंने तौबा मांगी, अल्लाह ताला से मैंने माफ़ी मांग ली। तो आप लोग भी यार अगर मेरी बात आप समझ रहे हो ना, मैंने तो ये तीन डिसीजन ले लिया गाइस, ठीक है, ये तीन, पेरेंट्स से अच्छा सलूक, झूठ नहीं बोलना, और तीसरा ये जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपने उनके साथ हमेशा रहना है, ठीक है। सॉरी, सेकंड जो है वो झूठ और गाली गलौज, ये नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब ये तीन डिसीजन मेरे पक्के हैं, इसके अलावा बाकी तो इंसान वो करते करता वो डेली रूटीन में चलते होता है, लेकिन यार ये तीन चीज़ें ना मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना, और ये बिगेस्ट स्टेप है, क्योंकि ये करना हर इंसान के बस की बात ही नहीं होती है। कोई इंसान गाली गलौज करता है ना उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। और दूसरा ये, कोई अगर अपने पेरेंट्स से सलूक करने की कोशिश, अच्छा सलूक करने की कोशिश भी करता है ना, मेरे समय वो करने की कोशिश तो करता है यार, मुझे बोलना नहीं आ रहा, करने की कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्यों नहीं कर पाता, अम्मी बुलाएंगी भी इधर आना 2 मिनट यार, अम्मी बस मैं आया 1 मिनट, वो 30 मिनट्स का पूरा गेम खेल के वो 30 मिनट लगा दिए वो 1 मिनट का बहाना मार के। तो ये होता है हम लोग, लेकिन इसमें भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, जब भी अगर पेरेंट्स बुलाएं तो ज़रूर जाएं, ज़रूर बात सुने अपने पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की कदर करें, ना आपकी लाइफ का पता है ना उनकी लाइफ का पता है, किसी भी लाइफ का कोई टाइम का नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। तो अपने से प्यार करने वालों की कदर करें, खुद की भी कदर करें, और ख़ुद की कदर ऐसे करें कि झूठ और गाली गलौज से परहेज़ करें मेरे हिसाब में, ठीक है। बाकी इबादत करना वो आपका सबसे पहली इबादत ही है, अपने पेरेंट्स से अच्छा सलूक, अपने प्यार करने वालों से अच्छा सलूक, सपोर्ट प्यार ये सब दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद ना है ना, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं दिल से, उनका दिल से शुक्रिया। बाकी रही बात जो मैंने पहले गाली गलौज की वाली जो वीडियो डाली है, आप लोगों को मैंने ठिका के गालियाँ दी हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आप सबसे दिल से सॉरी करता हूँ, ठीक है। और मैं वो वीडियो भी डिलीट कर दूँगा, तो मैं सबसे पहले सॉरी उसके लिए करता हूँ, माजरत। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह, कल वीडियो एक अच्छी आएगी वीडियो, तो अब इस बार के लिए अपनी दुआ में कुछ याद रख लेना, मुझे भी कभी कभी याद कर लेना यार कि हाँ भाई एक यूट्यूबर है जुपी, उसको भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुन आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।